तो फाइनली फ्रेंड हमने इस शॉप से बेगा का हेलमेट परचेज कर लिया है, तो अब अपना ब्लॉग अपन कर रहे हैं भोपाल सिटी से स्टार्ट। ठीक है, तो अभी अपनी आज बाइक अपन थोड़ी चेंज करी है, होंडा की सीवी बाइक है 125। तो अपन निकलते हैं, घर की रवाना होते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, हम जिधर से आए थे वहीं से चलते हैं। अभी हमारे क्या है, हेलमेट का वाइजर ओपन है, तो गली में जा रहे हैं, गली में डालने मेन रोड चले, बताओ अच्छा सिंगल सिंगल फिर रेलवे। अच्छा अपन यहीं से आए थे अभी ना, जो रेडिंग की दुकान है तीस आ गया भोपाल, जब अभी भोपाल सिटी में है हम जा रहे हैं रायसेन मारा ढावा तीर खाने। चलो चलो सर, साहब इधर पे सर, वो भाई तो वो भाई देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई, कितना सिग्नल है, बाप रे 12 घंटे आ रही सिग्नल में। ये अब चले फ्रेंड, अपन को राइट लेना है, ओ थोड़ा ना भाग जाए भाई, तीन तीन यार भोपाल सिटी में। तो भाई जब अभी भोपाल सिटी के अंदर है, आप देख सकते हो कितना छोटा ट्रैफिक है, अभी सिंगल से गाड़ियां छोटी है यार। ओ पापा भी बड़ी भाग रही है, देखो इसने बेरा को हेलमेट लगा, देखो मेरा नाम ही बहुत चलता है यार, हमने भी बेरा का हेलमेट पहन रखा है और हमने भी बेरा का हेलमेट परचेज नहीं किया ब्रेड, अब की बार इस बार हमने क्या दूसरा हेलमेट परचेज किया है, क्योंकि हमें बेरा के हेलमेट में ज्यादा कुछ मजा नहीं आ रहा था, वो इसलिए सामने को आप थोड़ा चेंज करके देखते हैं फ्रेंड। अभी मेरे क्या वाइजर ओपन है, तो वाइजर क्लोज करता हूँ। हाँ अच्छा फ्रेंड, अब आपको पता चल रहा है मेरी नॉइस कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है, तो ये बाजी भाग रही है काय का मतलब बोलना है गाय। मैं मेरे भाई बैठे हूँ शायद भाई पीछे, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या मेरे यहाँ नाली नहीं है यार भोपाल के बारे में, मैं खुद ओ बाप शिफ्ट फिर तो सिग्नल, अब हमें जहाँ से लेना है लिफ्ट, हाँ डीसी कोरे ओ वो अपन ने यहाँ से लिफ्ट लिया फ्रेंड, और जब अपने हुंडई Venue 20 के पीछे और पीछे चलने गया तो अपन तो किसी को है नहीं है, अपन निकलेंगे आएंगे, ये नगर निगम की गाड़ी खड़ी हुई नहीं तो कचरा समझ के हमें बाहर निकाल के लिया। ओ भाई यहाँ पे देखिए कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड कितना शानदार लग रहा है भोपाल सिटी का, तो यार बिलोगी मनाने में बहुत अच्छा लगता है यार मेरे को यार। तो फाइनली क्या है फ्रेंड, हमने बेगा का हेलमेट परचेज कर लिया है, हमारा बेगा का जो हेलमेट पुराना था तो हमारा एक दोस्त फ्रेंड ले रहा है जिसने लौटाया नहीं है, तो मेरे को तो यार अब उससे मांगना भी नहीं है यार, वो भी दोस्त यार, और दोस्ती में तो यार फ्रेंड इतना चलता है, लड़की पापा की परी हर कहीं घुस जाती है यार। फ्रेंड आज अपन ने यार बाइक थोड़ी चेंज कर रखी है, ओ ना 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 बहुत मजा आ रहा है ब्लॉगिंग करने में आज यार भोपाल सिटी में, कसम से डॉक्टर साहब जा रही हैं, क्या बाबा बहुत बुरा होना था यार, बहुत अच्छा लगता यार, सीधे चलना हाँ सीधे चले चल।
ये देख रहा छपरी ना इंडी का देख रहा ना कुछ रहा है घुसा जा रहा है वाले इनका जोश में आ रहा है क्या फाड़ू रिएक्शन नारियल की दुकान है गाड़ी साइड पे लाइव स्पीड बहुत मजा आ रहा है बलून डंडा में यार फ्रेंड यार कसम से यार अब मेरी यार वॉइस कैसी आ रही है आपको अब मेरे को नहीं मालूम क्योंकि पहले मैं बेरा के हेलमेट में मतलब वॉइस अपनी देता था और अब मैंने आज क्या हेलमेट चेंज करा है तो माइक वगैरह का भी सिस्टम मैंने चेंज कर दिया है तो अब मेरे को मालूम नहीं अब वॉइस अब मैं आखिरी में देखूंगा फ्रेंड कैसी वॉइस आती है भोपाल में बहुत सिग्नल पड़ते हैं बहुत ट्रैफिक आते हैं यार अंकल 800 लगा रहा है देख रहा हो अंकल के अल्टो वाला पागल हो गया कमन को गाय हमें बिल्कुल सीधे जाना हमें नहीं मोड़ना तो गाय हमें बिल्कुल सीधे जाना कहीं नहीं मोड़ना क्योंकि अब रास्ता मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है क्योंकि यहाँ पे चक से अपन सीधे ही आए थे भोपाल की ढीलों की नगरी यार सच में ढीलों की नगरी यार और सांडा सिटी यार भोपाल यार राजधानी यार भाई को फिर चुपा दिया यार यार साहिद भाई हमारा साहिद भाई पीछे बैठा फिर चुपा रहा है बहुत मजा आ रहा ब्लूइंग धंधे में यार फ्रेंड ऐसे टाइम पता वो फिर होना तो बहुत मजा आता है तो ये सच में वो हमें कोई साथ जा रहा है कोई मंत्री वगैरह जा रहा है उनके टोटो 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 वगैरह आवाज आ रही है मेरे को तो कहा था ना मैडम फिर मध्य प्रदेश प्रशासन जा रहा है भैया ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपन ये हमारे सीएम साहब भाई कहाँ का दौरा आया आज मंत्री होगा यार भारत सरकार ओहो इसके पीछे नहीं भरा रहा बाबा नहीं तो पता अंदर कर देगी यार गवर्नमेंट गाड़ी है फिर में जाने तो यार इनसे रेस लगाना भारी भारी आएगा कसम रेस लगाना भारी पड़ जाए था बाबा इनोवा को साइड सी चलना है क्या करना है सी सी चलना वो जंग कच्चे में सही कच्चे में चले मतलब चलना जल्दी बताओ सीधे चलो नहीं किधर से सीधे इधर से चलो किस तरफ चलो किस तरफ इधर लगा कच्चे में चले जाके थोड़े और फ्रेंड हमने अभी क्या रास्ता बदल दिया तो हम थोड़े क्या यहाँ पे कच्चे रोड से आए थे जब क्या हमें हमने रास्ता देखा नहीं था थोड़ा तो एक भाई ने बता दिया किधर चले जा तो पता चला वहाँ में जंगल ही था ऑफ रोड था बिल्कुल फ्रेंड बिल्कुल ऑफ रोड था लेकिन मैंने क्या ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की उधर की क्योंकि यार क्या करना है ब्लॉगिंग करने ऑफ रोड की पूरा जंगल ही जंगल था यार हमारी गाड़ी चल रही थी मतलब हिंदी यार निकाल जा रहा हूँ यार मेरे फ्रेंड ये लफड़े मिल जा देंगे यार फ्रेंड हिंदी पीछे चलो जब तक ये जा रहा है ना ब्रेकर आ रहा है कार तो यार थोड़ा बहुत सपोर्ट करो यार मेरी वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो यार फ्रेंड यार मैं यार भाई थोड़ा तुम सपोर्ट करोगे तो आज मैंने जैसे आपने थोड़ा सपोर्ट कर दिया तो मैंने ये फोर मतलब हेलमेट परचेज कर लिया भोपाल पर जाए भोपाल एमपी नगर में जाकर वो सपोर्ट करोगे तो फ्रेंड फिर मैं गोपो करूंगा तो और अच्छी आपको क्वालिटी दूंगा फ्रेंड थोड़ा सपोर्ट करो यार कसम से यार थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे थोड़ा यार मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं आए तो कोई यार मेरे को सपोर्ट करता है यार यार मैं भी आप देख रहा हूँ मैं मतलब विदिशा से मतलब भोपाल एमपी नगर मतलब ब्लॉगिंग के लिए मतलब हेलमेट परचेस करने आया एमपी नगर जो मतलब भोपाल विदिशा से 65 या 66 किलोमीटर दूर है इसलिए मतलब आया तो ब्लॉगिंग करने लगी कि अपने बड़ी अंदर को मैं अच्छी क्वालिटी दे पाऊँ तो फ्रेंड यार आपका ही फर्ज बनता है ना यार मेरे चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करो शेयर करो
और कमेंट करो यार फ्रेंड, मुझे मेरी मतलब अच्छा ही बताओ मेरी वीडियो में, मुझे मेरी कुछ गलती बताओ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ बनाते में। आप आपकी पसंद बताओ मेरे को कि आप किस वीडियो पर इंटरेस्ट रखते हैं, उस टाइप की वीडियो बनाऊँ। ये दो गाड़ी बहुत गया कर रही है यार, बहुत बेकार। फाइनली फ्रेंड जगह टोंटो करती फ्री रही है ये। साहब याद देना यार, इंडिकेटर में जला रहा हूँ आगे का, ठीक है। तो अपन ऐसे लेते हैं राइट और यहाँ से चलते हैं तो सीधे। ओ ये आंटी कितनी भयंकर घूर के देख रही थी यार,